नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं पीमा पे बात करना चाह रहा हूँ, और पीमा तो वैसे भी आप मैं काफ़ी व्लॉग में इसका तारुफ करवा चुका हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने ना साबका पंजाब हुकूमत ने तो इसको ये 4500 स्कूलों को आउटसोर्स किया था, उन स्कूलों को जिनमें जो था इनरोलमेंट ज़ीरो थी, और जिनमें अगर इनरोलमेंट आटे में नमक के बराबर भी थी उनका रिज़ल्ट जो था वो ज़ीरो था, और ये घोसड़ स्कूल थे और बंद पड़े हुए थे। इनको फिर नई जान डालने के लिए ये फिर ये लाइसेंसीज के हवाले किया गया, और वो उसका क्राइटेरिया जो है उसकी ऐड आई, और इस तरह एमफिल पीएचडी लेवल के जो हैं पढ़े लिखे नौजवानों को ये स्कूल दे दिए गए, और इनमें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फिर तादाद में दाखिले भी हुए। तो बात करना आज यही था कि दाखिलों की इजाज़त नहीं हो रही थी। आज मेरी नज़रों से फिर सर्कुलर एक आया गुज़रा, और वो देख के मैं खुद ही हैरान रह गया कि वो 2 अगस्त की उस पर डेट डली हुई है, 2 अगस्त 2021, और फिर वो उस पर फरमाया गया है कि क्योंकि नया तालीमी साल जो है वो 2021 से शुरू हो रहा है, और इसलिए अब क्लासों को प्रमोट किया जाता है। हालांकि जो कल हमने यानी कि इस पर काफ़ी ज़्यादा वीलॉग्स में भी शोर शराबा किया, वैसे भी सोशल मीडिया पे भी, और वहाँ ऑफिस में जाके भी उनको बताया कि खुदारा बच्चों को सेस में तो प्रमोट कर दें, लेकिन कल जाके फिर पता चला, और सेस में जब दोस्तों ने देखा तो वहाँ बच्चे जो हैं वो प्रमोट हो चुके थे अगली क्लासेस में, यानी 27 अगस्त को तालीमी साल जो है वो 2 अगस्त से स्टार्ट है, और बच्चे जो हैं वो प्रमोट हुए हैं सेस में जाके 27 अगस्त को, और 27 अगस्त को ये सर्कुलर जो है वो सामने आया कि आपको नए एडमिशन की जो है वो इजाज़त दी जाती है, ताकि आप जो बच्चे आपके पास बैठे हैं उनको फौरन ही उनका एडमिशन कर लें। और आज देख रहे हैं भी 28 तारीख को, 27 की ये रात अभी रात को आया, और ये 28 तारीख शुरू हो चुकी थी, आज 28 तारीख है, और 28 कल फिर 29 हो जाएगी, और फिर परसों 30, और ये 31, यानी 31 तक की डेडलाइन है भी, 31 तारीख तक आप वो उनको उनके एडमिशन कर लें। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है इन चार या तीन दिनों में, क्योंकि कल वैसे भी संडे है और छुट्टी है, आज वैसे भी ज़ाहिर है भी उसकी नोक पलक भी दुरुस्त करनी होती है, तो क्या दो दिनों में नेक्स्ट दो दिनों में ये एडमिशन जो है ये हो सकेंगे, ये तो मुझे तो कोई ये खेल ही नज़र आ रहा है, जैसे कोई ये खेल खेला जा रहा है, अभी एडमिशन ही ना हो सके। तो इसलिए ये इनको चाहिए था कि अगर ये सर्कुलर 2 अगस्त का ये उस पर डेट डली हुई है, और 27 डली होती तो फिर तो चलो कोई हो जाता भी, हम रिक्वेस्ट सारे दोस्त जो हैं वो रिक्वेस्ट करते कि इसको आगे तारीख बढ़ा दी जाए। अब भी उम्मीद करते हैं कि जो अगर ये गलती उन्होंने नोट कर ली है तो इसको इसकी तारीख को बढ़ा दिया जाए। दूसरा ये है कि बेफाम जो हैं उसको भी 31 अगस्त तक की उसकी डेडलाइन दी है, जो पुराने बच्चे हैं जो सेस में हैं, अगर उनके ज़ाहिर अभी कई तो अभी तक दूर दराज इलाकों में रहते हैं, और उनके पास तो आजकल वैसे भी महंगाई का दौर है, और इसलिए जिस तरह गवर्नमेंट स्कूलों में उनको एक्सटेंड किया जा रहा है उनकी डेट को, इसी तरह ये पीमा जो है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट स्कूल्स का ही तसलसल है, तो इसमें भी ये सहूलत जो है वो दी जानी चाहिए, तो तब जाके ये दाखिले जो हैं, दाखिलों की भी डेट जो है वो तकरीबन एक माह तो होनी चाहिए, अगर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अगर उसका रूल फॉलो करने हैं तो फिर तो वो सारा साल वो भी करते हैं, तो फिर हम इन जो ये 4500 स्कूल हैं उनको भी इजाज़त उसी तरह दी जानी चाहिए। नहीं, अगर नहीं भी फिर भी रुकावट डालें तो एक माह के लिए एक महीना तो हो दाखिलों के लिए, ताकि जो बच्चे जो हैं जब छुट्टियों के बाद स्कूल आते हैं तो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल हैं, चाहे ये पीमा स्कूल हैं, तो अक्सरियत बच्चों की जो है वालदा ने उनको काम पे लगा दिया है। गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं सोच रही, और ये ड्रॉप आउट पोजीशन है, और इस पर जो है वो चाहे सेमिनार में बड़े
ओके की और पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो मुराद राज साहब ने वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। हालांकि अगर ये नेगलिजेंसी देखें ना, भी कितनी बड़ी नेगलिजेंसी है, एक तो आपने एडमिशन बंद कर रखे हैं और ऊपर से आप फिर उसको कदगल लगा रहे हैं भी और उसको कन्फाइंड कर रहे हैं भी, ये 4 या 5 दिन में ये कर लें और फिर ये बेफार्म्स वाला सिलसिला भी जो है, तो कैसे ये किस तरह सिलसिला होगा? इस तरह तो ये जो है सिलसिला कंप्लीट नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस पर और कुछ दिन दिए जाएँ। इसके साथ साथ मैं और भी बात एक इसमें ऐड कर दूँ, ये मैं सर्कुलर भी साथ लगा रहा हूँ जो बीमा अथॉरिटी की तरफ से भेजा गया है, जो कल पहुँचा है, तो उसको भी आप देख लें। तो दूसरी बात यह है कि कल वज़ीर आज़म साहब भी फरमा रहे थे कि अंग्रेज़ी तालीम ने ही हमारी जो है ज़ुबू हाली का शिकार है। तो मैं वज़ीर आज़म से ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप भी तो ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़े हैं ना, तो आपको उस वक्त ये ज़ुबू हाली का ख्याल नहीं आया? और दूसरा ये है कि आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स में या पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में या पीमा स्कूल्स में जो हैं वो गवर्नमेंट जो सिलेबस लगाया है, क्या वो इंग्लिश मीडियम नहीं है? वो भी तो इंग्लिश मीडियम है। क्या फिर ये यकसा निसाब का वाला सिलसिला जो है, ये किस तरह, ये क्या ये ड्रामा चल रहा है? कोई समझ नहीं आ रही भी यकसा निसाब किस तरह आप आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप एक आपके एक बयान तो नहीं होता, एक बयान के साथ साथ आपके 4 बयान जो हैं यू टर्न वाले होते हैं। तो लिहाजा इस तरफ अगर आपने सीरियसली तवज्जो देनी है तालीम पर तो दीजिए, फिर लाएँ बच्चों को बाहर से जो घरों में बैठे हुए हैं। पहले तो वो जो आप 2 करोड़ या 2.5 करोड़ कहते थे और फिर ये जो हैं जो अब बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं और हज़ारों की लाखों की तादाद में हुए हैं। तो ये अगर आप विज़िट भी कर लें स्कूल्स का तो आपको फौरन पता चल जाएगा स्कूलों के जो हैं बच्चे जो हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स का विज़िट कर लें, खाली जो है उस पर ना रहें भी ये जो कागजी कार्रवाई है या फ़ोटो शूट के ज़रिए। शुक्रिया।